हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कोलकाता के अस्पताल में महिला पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या से पूरा देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो जघन्य अपराध महिला डॉक्टर के साथ हुआ है उसे देश अब सहन करने वाला नहीं है। सीएम ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश में बेटियों को बचाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी है। तभी ममता बनर्जी कोलकाता में महिला पीजी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने में टालमटोल कर रही थी। महिलाओं पर निरंतर हो रहे बर्बरतापूर्ण दुराचार पर चुप्पी साध ली है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जिस तरह से एक सेवा कर रही लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हैवानियत की घटना सामने आई है, उसने पूरे देश को हिला कर दिया। वो हैवानियत की सीमाओं को पार करते हुए और सेवा करती हुई डॉक्टर के साथ जो अनाचार दुराचार व्यभिचार वो सब कुछ वहां पर किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, ये केवल निंदनीय नहीं है अपितु अक्षम्य अपराध है। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से वहां व्यवहार वो और भी ज्यादा नहीं, जिस तरह से साक्ष्य मिटाने के लिए अस्पताल के ऊपर हमला होता वो और भी ज्यादा निंदनीय है। वहां की डॉक्टर्स, वहां के रेजिडेंट्स वो इस समय खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। जरा कल्पना करके देखिए, हमारी बेटी, हमारी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन और चिकित्सा कार्य के अंदर मध्य रात्रि के अंदर इलाज कर रही है और उसके साथ ऐसी हैवानियत हो जाए। पूरे समाज को आज खड़े होकर के और इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करने की आवश्यकता है और बंगाल की सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए वो जो लोग जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है, अन्यथा पूरे देश का विश्वास और समाप्त होता हुआ दिखाई देता है।